नमस्कार मित्रों, आप सभी का एक बार फिर से अपने YouTube चैनल MK स्मार्ट क्लासेज में स्वागत। आज हम 28 अगस्त 2023 की दैनिक समसामयिक की करंट अफेयर्स के बारे में बात करेंगे। तो आइए मित्रों, क्लास को शुरू करते हैं। आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में शिशुओं में रेस्पिरेटरी सिंकाइटियल वायरस से सुरक्षा के लिए पहली वैक्सीन एब्रिस्वो को किसने मंजूरी दी? तो इसका आंसर हो जाएगा USA, संयुक्त राज्य अमेरिका। एब्रिस्वो एक वैक्सीन है, इसको मंजूरी USA द्वारा दी गई है, जो ये सुरक्षा RSV रेस्पिरेटरी सिंकाइटियल वायरस से सुरक्षा प्रदान करती है। ये वैक्सीन शिशुओं में श्वसन तंत्र से संबंधित है और एब्रिस्वो वैक्सीन का निर्माता कंपनी फाइबर कंपनी है। अन्य महत्वपूर्ण तथ्य, SARS की फुल फॉर्म सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम है। मित्रों, ये फुल फॉर्म हर बार एग्जाम में पूछी जाती है। श्वसन तंत्र की इकाई एल्बुलाई या कुपिका है। प्राकृतिक बैक्टीरिया TC1 जो हाल ही में स्पेन द्वारा खोजा गया है, जो मलेरिया रोग के नियंत्रण में सक्षम है। USA की बात करें मित्रों, राजधानी वॉशिंगटन, डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया और राष्ट्रपति जो बाइडेन। USA के उपराष्ट्रपति कमला हैरिस जो प्रथम महिला उपराष्ट्रपति है। आज की क्लास का हमारा दूसरा प्रश्न है, हाल ही में इसरो ने किसके सहयोग से चंद्रमा पर अगला मिशन लुपेक्स भेजेगा? तो इसका आंसर हो जाएगा जाक्सा, जो जापान की स्पेस कंपनी है। लुपेक्स की बात करें मित्रों, लूनर पोलर एक्सप्लोरेशन मिशन है, जिसको लॉन्च 2024-25 में किया जाएगा। इसको लॉन्च इसरो और जाक्सा दोनों मिलकर करेंगे। लुपेक्स का उद्देश्य चांद के ध्रुवीय क्षेत्र में अनुसंधान करना। इसरो की बात करें मित्रों, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है। स्थापना 15 अगस्त 1969 में हुई। इसरो का मुख्यालय बेंगलुरु जो कर्नाटक में है। इसरो के वर्तमान अध्यक्ष S. सोमनाथ है। अन्य महत्वपूर्ण तथ्य, लूना 25 मिशन, ये हाल ही में रूस का भेजा गया चंद्रमा पर मिशन था जो क्षतिग्रस्त हो गया है। चंद्रयान 3, इसको लॉन्च 14 जुलाई 2023 को इसरो द्वारा किया गया था। इसका रॉकेट LV-M3, M4 या इसी को बाहुबली रॉकेट के नाम से जाना जाता है। चंद्रमा के साउथ पोल पर लैंडिंग 23 अगस्त 2023 को हुआ था और चंद्रमा के साउथ पोल पर लैंड होने वाला ये भारत पहला देश बन गया है। चंद्रयान 3 के प्रोजेक्ट डायरेक्टर PV-R Muthuvel है। आज की क्लास का हमारा तीसरा प्रश्न है, बिजनेस 20 शिखर सम्मेलन का हाल ही में आयोजन कहाँ होगा? तो इसका आंसर हो जाएगा नई दिल्ली। बिजनेस 20 जिनका आयोजन नई दिल्ली में होगा वो G20 का सम्मेलन है। इसकी शुरुआत 25 से 27 अगस्त तक हो है। बिजनेस 20 के मुख्य अतिथि प्रधानमंत्री होंगे और बिजनेस 20 के अध्यक्ष चंद्रशेखरन है, जो टाटा कंपनी के CEO है। G20 की बात करें मित्रों, 2023 में इसका 18वां संस्करण है और इसकी थीम वन अर्थ वन फैमिली वन फ्यूचर है, अर्थात वसुधैव कुटुंबकम है। G20 के संस्कृति समूह की बैठकें पहले खजुराहो में हुई, दूसरी भुवनेश्वर जो उड़ीसा में है, तीसरी हम्पी जो कर्नाटक में है, चौथी वाराणसी जो UP में है। G20 के पर्यटन समूह की प्रथम बैठक कचकारण और तीसरी बैठक जम्मू कश्मीर में हुई। आज की क्लास का हमारा चौथा प्रश्न है, हाल ही में भारत का प्रथम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस स्कूल कहाँ लॉन्च हुआ? तो इसका आंसर हो जाएगा तिरुवनंतपुरम, जो केरल में है। केरल के तट को मित्रों मालाबार तट के नाम से जाना जाता है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ये भारत का पहला स्कूल है। विद्यालय का नाम शांतिगिरी विद्यालय है, जो तिरुवनंतपुरम केरल में है। इस विद्यालय में टेक्नोलॉजी का उपयोग किया जाएगा। इसको लॉन्च रामनाथ कोविंद ने किया, जो भारत के पूर्व राष्ट्रपति रहे। अन्य महत्वपूर्ण फैक्ट्स, ChatGPT इसको हाल ही में OpenAI द्वारा लॉन्च किया गया है और ChatGPT के नियंत्रण में Bard जिसने गूगल ने लॉन्च किया था। लिस्सा ये उड़ीसा की पहली आर्टिफिशियल आधारित न्यूज़ एंकर है। केरल की बात करें मित्रों, मुख्यमंत्री पिनराई विजयन और राजधानी तिरुवनंतपुरम है। राज्यपाल मोहम्मद आरिफ खान। शुभ यात्रा योजना हाल ही में केरल सरकार द्वारा शुरू की गई है, जो विदेशी प्रवासियों को आर्थिक सहायता हेतु। आज की क्लास का हमारा पांचवा प्रश्न है, हाल ही में CR Rao का निधन हुआ, जिनका संबंध किस क्षेत्र से? तो इसका आंसर हो जाएगा गणितज्ञ
एंड सांख्यिकी विद है। सी आर राव, जिनको 2023 में सांख्यिकी का अंतर्राष्ट्रीय अवार्ड दिया गया था। सी आर राव को 2001 में पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया है और यूएसए द्वारा राष्ट्रीय विज्ञान अवार्ड से भी सम्मानित किया जा चुका है। अन्य महत्वपूर्ण जो 2023 में निधन हुए हैं, विकास सिन्हा, जिनका संबंध परमाणु भौतिकी वैज्ञानिक है, जिनको 2010 में पद्म विभूषण दिया गया है। बालकृष्ण दोषी, जिनका संबंध वास्तुकार से है और 2023 में पद्म विभूषण दिया गया है। बालकृष्ण दोषी प्रथम भारतीय है जिन्होंने पृथ्वीकर अवार्ड मिला हुआ है। दिलीप महालनोबिस, जिन्होंने ORS की खोज की है और 2023 में पद्म विभूषण से सम्मानित किया जा चुका है। अगर मित्रों आपको हमारी क्लास पसंद आई तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही PDF प्राप्त करने के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ना ना भूलें। जय हिंद मित्रों।